हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में। ट्रस्ट में की लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि इश्क मोहब्बत और प्यार के बीच में मैं एक डिफरेंस बताती हूँ। संजू और शानी उसे सुनते हैं और कहते हैं वाह, कतई लव गुरु हो आप तो। मैं कहती हूँ लव गुरु नहीं, मेरी डेफिनेशन ये है, हो सकता है किसी और की कुछ और हो। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। तभी जॉर्डन आती है और कहती है अक्की सो चुकी है। हम लोग अंदर आते हैं कमरे में। जॉर्डन कहती है आगे क्या करना है, कुछ सोचा है। ईशानी बोलती है कुछ नहीं करना है हमें। जब भी हम अक्की को लेके बाहर जाएंगे, अक्की से कैप बना के रखना है और तान्या को मौका देना है अक्की को संभालने का। जब तक दोनों एक दूसरे के पास ही नहीं जाएंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो जॉर्डन और संजू कहते हैं तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे बात को। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो मैंने कहा उसके बाद अक्की जो है, सॉरी तान्या जो है वो अक्की के पास आई, मुझे नहीं लग रहा। तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, वक्त पे छोड़ देते हैं, वक्त पे छोड़ के पता चल जाएगा ना कि तान्या को कितना प्यार है कितना नहीं है, लेट्स सी। तो संजू कहती है ठीक है लेट्स सी, मुझे नहीं लगता जो मैंने बोला उसके बाद तान्या लौट के आई। देख लो अब ठीक है, नहीं आई लौट के तो क्या ही कर पाएंगे, बट अगर आती है तो जॉर्डन और संजू तुम दोनों को उसका साथ देना पड़ेगा। आएगी नहीं लौट के, संजू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। तो वो देखते हैं उसकी तरफ निशानी और कहती है कहीं तुमने फिर से तो कुछ नहीं बोला ना तान्या वो। तो संजू कहती है नहीं नहीं मैंने फिर से क्या, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो आप, बट मेरा दिल कहता है कि तान्या लौट के नहीं आएगी। तो ठीक है उस चीज़ को हम देख लेंगे, आएगी कि नहीं आएगी। अब इस फिलहाल सो जाता है, बहुत रात हो चुकी है, सुबह आंटी के पास जाना है, पंगा हो जाना है। सोते हैं हम सब लोग, नेक्स्ट डे होता है और हम सब उठते हैं, अक्की भी उठती है और अक्की ईशानी के पास जाती है और कहती है ईशानी सॉरी रात के लिए। ईशानी उसकी तरफ देखती है और कहती है रात क्या हुआ तुम्हें याद है। कहती है हाँ पहले नहीं याद रहता था, लेकिन अब तो जैसे शराब पे असर करना बंद कर चुकी है, अब सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भूल पाती हूँ, हर एक चीज़ दिमाग में घूमती रहती है और मैं परेशान होती रहती हूँ। तो ईशानी अक्की के हाथ पे हाथ रखती और कहती है ठीक हो जाएगा सब। ये कह के मेरी तरफ देखती है और इशारे में मुझसे पूछती है, मैं उसे इशारा करती हूँ हाँ का और उसके बाद ईशानी अक्की को बैठाती है। संजू और जॉर्डन अभी तक सो रहे होते हैं, उसको बैठाती है और मैं उसको बोलती हूँ तुमसे एक बात, मतलब ईशानी उससे कहती है कि तुमसे एक बात कहूँ, मानोगे मेरी बात।
अक्की कहती है, बिल्कुल मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी, बोलो क्या कहना है आपको। शानी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, तान्या तुम्हारे लिए कैसी रहेगी। ये कह के वो उसके फेस एक्सप्रेशन नोट करने लगती है। तान्या का नाम सुनते ही तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, लेकिन सामने ईशानी होती है इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। तो इतना ही कहती है कि जिस लड़की की वजह से आज ये सब देखने को मिल रहा है ना, उस लड़की को मैं जिंदगी में अपनी जिंदगी में नहीं ला सकती, लेकिन अक्की इसमें तान्या की क्या गलती है बताओ। तान्या नहीं होती तो हो सकता है कोई और लड़की होती। अक्की कहती है, आपको पता भी है उसने नशे की हालत में मेरा फायदा उठाया है। मेरे को कुछ याद ही नहीं कि हमारे बीच कुछ हुआ भी था या नहीं। मैं किस तरह तड़प रही हूँ ना, वो मैं जानती हूँ, बस कोई उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। तभी मेरे मुंह से निकलता है, एक सेकेंड, तुम तान्या से इसलिए नाराज़ हो कि उसने तुम्हारे होश में कुछ नहीं किया, मतलब उसे जो कुछ करना चाहिए था वो तुम्हारे होश और हवास में करना चाहिए था। पक्की मुझे ऐसे गुस्से से देखती है और ईशानी भी मेरे शोल्डर पे मारती है ज़ोर से। तो मैं कहती हूँ, क्यों मार रही हो भाई, मैं भी तो पूछ रही हूँ ना, इसका रिएक्शन ही ऐसा आया है कि मैं होश में नहीं थी और उसने इस तरह कर दिया मेरे साथ। मतलब अगर ये होश में होती तो ठीक था, फिर मैं खुद वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो अक्की बोलती है, बात वो नहीं थी। तो बोलते, फिर क्या बात थी बताओ, बात बताओ, बात क्या थी। कहती है, मुझे नशा कराया गया, मैं पूजा के साथ भी इतना इन्वॉल्व नहीं हुई कभी होश और हवास में। मेरे को नशा कराया गया, मैं सुध-बुध खो चुकी थी, उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया। और सोच के देखो, मेरे उस नशे की हालत में तान्या के अलावा कोई लड़का या कोई और मेरा फायदा उठा लेता तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। आप ही बताइए, तब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता। बोलिए, जवाब दीजिए, मुझे नाराज़गी उसकी इस बात की है, मैं उसके लिए फाइट की, तान्या के लिए, पूजा से जिससे मैं प्यार करती हूँ। और तान्या ने कुछ पैसों के लिए मेरे अस्तित्व, मेरे वजूद, मेरे जिस्म के साथ खेल लिया। मुझे होश हवास में भी उसकी ज़रूरत नहीं थी और मुझे दर्द इस बात का हो रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस पल को याद करने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरा सर घूमने लगता है।
पूजा से मैं प्यार करती थी, मैं फिर भी उसके करीब जाने में वक्त लेती थी, और उसने मेरा फायदा इस तरीके से उठा लिया। उस लड़की से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कभी। दिल टूटा है मेरा। वो लड़की, मैं बस कुछ कहना नहीं चाहती, मैं बस उससे नफरत करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप लोगों को जो समझना है आप लोग समझ सकते हैं, बट वो लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, कभी भी नहीं, ये याद रखना। और आप में से कोई बेवजह की कोशिशें भी मत करना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इस बात के लिए निवेदन कर रही हूँ, कोई इस तरह की हरकत मत करना, क्योंकि मेरे और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। इस जहान में अगर मैं सबसे ज़्यादा नफरत किसी से करती हूँ तो तान्या से, और किसी से नहीं। अच्छा ठीक है, तो तान्या से नफरत करती हो, ठीक है समझ गए। और तुम्हें तान्या के फ़ायदा उठा लेने का बहुत कम है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ और उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, वो भी जब तब तुम होश में नहीं थी। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा होगा कि तुम्हारे साथ किसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, है ना। तान्या के जाने के बाद कौन तुम्हारे घर में आया, कौन नहीं आया, इन्हीं सब बातों का गिल्ट है ना तुम्हारे। तो अकी कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। मैं कहती हूँ अब एक बात बताओ, तुम्हें पूजा से बहुत प्यार था ना। कहती है हाँ था, नहीं है, ओके चलो है। अगर इतना ही प्यार है तो ये नई लड़कियों का क्या चक्कर है। तुम तो बहुत प्यार करती हो पूजा से, तो ये रोज़ रोज़ नई लड़कियों के पास जाने पे, उन्हें अपने घर ले जाने में वो प्यार कहाँ चला जाता है तुम्हारा, ये भी बता दो, ये भी क्लियर कर दो। तब तुम्हें पूजा की याद नहीं आती, तब तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि तुम उसको धोखा दे रही हो। धोखा, जिस इंसान ने मुझे छोड़ दिया उसे मैं क्या धोखा दूंगी, ये बात जरा आप ही लोग मुझे समझा दीजिए। तो जब तुमने ये एक्सेप्ट कर ही लिया है कि उसने तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो तो हाँ देखो अक्की, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, समझना ना समझना वो तुम्हारे हाथ में। मैं बोलती हूँ कि, और दूसरी चीज़ ये भी है, हम किसी इंसान को कितना ही क्यों ना समझा लें, जब तक वो खुद कुछ नहीं समझना चाहेगा ना, तब तक वो कुछ नहीं समझ पाएगा, कुछ नहीं, ये भी जानते हैं। बट तुम हमारी फ्रेंड हो और तुम्हें इस तरह हम परेशान होते हुआ नहीं देख सकते, समझे। तुम्हारी माँ परेशान है, हम परेशान हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं तुम्हें उनका बिल्कुल ख्याल नहीं है, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया तुम उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारे प्यार को बड़ा महान बताया जाएगा? नहीं, बेवकूफ़ी बताई जाएगी। जो एक लड़की ने एक ऐसे इंसान के लिए कर दी जिसे उसकी कदर ही नहीं है।
कोई तमका नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो वो कहती है कि मुझे कोई तमका नहीं चाहिए। ईशानी कहती है लेकिन उन्होंने जो पूछा तुमसे उसका जवाब दो ना, जब पूजा से इतना ही प्यार है तो ये रोज़ रोज़ नई लड़कियाँ किस लिए बोलो। समझ आता है प्यार में धोखा मिला, तुमने दारू का सहारा ले लिया, लेकिन प्यार में धोखा मिला तो तुमने लड़कियों का सहारा भी ले लिया, वो किस लिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्या जवाब देती है हमारी अक्की। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।